क्या आपको गाय के कच्चे दूध का फायदा पता है? क्या आप जानते हैं कि कच्चे दूध का ऐसा कौन सा खास प्रोटीन है जो कहीं और नहीं मिलता है? क्या आप जानते हैं कि कच्चा दूध डार्क सर्कल पे क्या असर करता है? इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हम आपको कच्चे दूध के बारे में ऐसे रोचक तथ्यों से परिचित करेंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ कि वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं यश और आप देख रहे हैं स्वदेशी वीआईपी का चैनल। पौराणिक सभ्यता से ही गाय का कच्चा दूध इस्तेमाल में लाया जा रहा है। शुद्ध कच्चे दूध से त्वचा के दाग धब्बे जैसी समस्या तो दूर होती ही है। अब हम आपको बताएंगे कि शुद्ध देशी गायों की खास बात क्या होती है। इसके कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और ये लैक्टिक एसिड की खास बात यह है कि ये सबसे पहले त्वचा के दाग धब्बों को हटाता है। ये एसिड कोशिकाओं में उपस्थित गंदगी को बाहर करता है जिससे कि आपकी त्वचा फिर से साफ होने लगती है और दाग धब्बे हटने ही लगते हैं। साथ ही अगर आप जल्द ही उपचार चाहते हैं तो कच्चे दूध को त्वचा पर लगाकर धीरे धीरे अपने चेहरे पर मसाज करें जिससे आपको जल्द से जल्द परिणाम दिखने लगेगा। अब इससे और ज्यादा सकारात्मक परिणाम होने के बारे में आपसे हम इस बारे में बात करेंगे। जैसे डार्क सर्कल है, तो डार्क सर्कल के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो डार्क सर्कल से मुक्ति। डार्क सर्कल एक आम समस्या है। पहले तो ये समस्या 35 वर्ष के बाद होती थी, पर आजकल नव युवकों में ये आम हो गया है। ज्यादातर कारण या तो मानसिक तनाव है या फिर देर रात तक जगना, पर इसका इलाज भी संभव है। इस समस्या में भी कच्चा दूध बहुत ही उपयोगी होता है। यहां भी एक बार फिर से लैक्टिक एसिड का प्रमुख रोल आता है। आंखों के नीचे काले धब्बे पर रुई से कच्चे दूध का लेप लगाएं, इससे आपको जल्द ही परिणाम मिलेगा। अगले पे जाते हैं तो झुर्रियों से भी आपको यह बहुत राहत देता है। आज वातावरण जिस तरह से खराब होता जा रहा है उसका असर लोगों के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है। वक्त से पहले चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगती है या चेहरे की खाल लटकी लटकी सी दिखाई देने लगती है। नतीजा ये होता है वक्त से पहले ही इंसान उम्रदार दिखाई देने लगता है। पर इसका रामबाण इलाज कच्चे दूध में है, जिसे रात को सोने से पहले लगाइए, पूरे चेहरे पर मसाज करिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका चेहरा फिर से खिलखिलाने लगेगा। वहीं कच्चे दूध का इस्तेमाल न केवल वयस्क बल्कि 30 या 40 साल से ऊपर के लोग भी कर सकते हैं। यह उनके लिए और भी ज्यादा असरदार है। कच्चे दूध में मॉइस्चराइजर का गुड़ भी होता है। आजकल लोग अपनी स्किन की देखभाल के लिए हानिकारक केमिकल्स वाले और क्रीम वाले पाउडर लगाने लगे हैं। लोग तो ये सोच के उपयोग करते हैं कि ये क्रीम और पाउडर उनकी त्वचा को लाभ पहुंचाएगा, पर होता उल्टा ही है। ये क्रीम और पाउडर में मिले हुए हानिकारक केमिकल्स उनकी त्वचा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कच्चा दूध एक आयुर्वेदिक और सदियों से चला आ रहा इलाज है, जो कि चेहरे पर नियमित लगाने से वास्तविक आपको निखार देता है। कच्चा दूध आता है देसी गायों से। ये देसी गाय पोषण से भरपूर होती हैं। इन्हें शुद्ध चारा और पोषक भोजन खिलाकर तैयार किया जाता है। क्या आपने टैनिंग की समस्या के बारे में कभी सुना है? ठंड के मौसम में हमें धूप में बैठना बहुत पसंद आता है और यही वो वक्त होता है जब हमें टैनिंग की समस्या से जूझना पड़ता है। ऐसे में कच्चा दूध रूई में लगा करके अपने चेहरे पे मसाज करें, बहुत ही जल्द उससे आराम मिलेगा। खासकर टैनिंग की समस्या त्वचा में किसी जगह पर सूजन या रैशेस पड़ जाने को ही कहते हैं। इस अवस्था में उस जगह पर खुजली या जलन होने लगती है। कच्चे दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व, वैसे तो अनगिनत पोषक तत्व हैं ये, पर क्या आप जानते हैं कि कच्चे दूध में कुछ ऐसे भी मिनरल्स होते हैं जो दूध को पका देने पर वो निकल जाते हैं, जैसे कैसीन। कैसीन एक प्रोटीन है जो कि हर जगह नहीं सिर्फ दूध में ही पाया जाता है, खास करके कच्चे दूध में पाया जाता है, जो कि कच्चे दूध को अगर उबाल दिया जाए या पका दिया जाए तो ये प्रोटीन उसमें से निकल जाता है। इसलिए कच्चा दूध हमारे लिए पोषण से भरा हुआ है और इसके सेवन से विटामिन ए, बी और आयरन, फाइबर जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। स्वदेशी वीआईपी जो कच्चा दूध तैयार करता है वह शुद्ध देशी गायों से तैयार होता है। उन गायों की अच्छे से देखभाल की जाती है और उन्हें वो सभी पोषक भोजन दिया जाता है जिससे सभी गाय स्वस्थ रहें, पोषण से भरपूर रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, इसको शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए और यदि आपके मन में गाय से जुड़ी कोई भी समस्या या कोई भी बात आपके मन में है तो हमें कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता दीजिए, हम उस पे एक वीडियो जरूर बनाएंगे। देखते रहिए स्वदेशी वीआईपी चैनल।